हेलो एसपीएस एस्ट्रोलॉजी लवर्स, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज का विचार लेते हैं और आज का जो विचार है हमें भेजा है कौशल विश्वास जी ने। और कौशल जी लिखते हैं, हेलो सर, इज दिस कंजंक्शन ऑल्सो अफेक्ट नेटिव्स मदर। यानी कौशल जी ने अपनी पूरी चीज़ें नहीं लिखी है, लेकिन जितना भी लिखा है वो शॉर्ट में लिखा है। और इनका जो ये कॉमेंट है ये किसी वीडियो के नीचे था और उसमें जो भी मैंने योग बताया होगा उसी के बारे में पूछा है कि जो कुंडली में योग बन रहा है क्या उसका असर मदर के ऊपर भी हो सकता है। देखिए, आपके बर्थ चार्ट में जो भी योग होता है उसका असर आपकी फैमिली, आपके दोस्त यार, आपकी कंट्री, आपका शहर, सबके ऊपर होता है। यहाँ तक कि जो आपके घर के जानवर हैं उनके ऊपर भी उसका असर होता है। और जो आपके घर में जितने भी लोग रहते हैं उनकी कुंडली में जो भी योग है उसका असर भी हर किसी के ऊपर होता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर फोर्थ हाउस को ले लेते हैं। फोर्थ हाउस का संबंध मदर से है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में हो, एट्थ हाउस में हो, ट्वेल्थ हाउस में हो, तब मदर को हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सिक्स हाउस यानी बीमारी, एट्थ हाउस यानी सर्जरी, ट्वेल्थ हाउस यानी हॉस्पिटल। सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड्स अगर फोर्थ हाउस में होते हैं तब भी मदर को हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि छठे घर का स्वामी आपके फोर्थ हाउस में चला गया और एट्थ हाउस का लॉर्ड आपके फोर्थ हाउस में आ गया। फोर्थ हाउस में अगर शनि की प्लेसमेंट होती है तब भी मदर को हेल्थ इशू हो सकते हैं। फोर्थ हाउस में अगर राहु या केतु की प्लेसमेंट होती है तब भी मदर को हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट होता है राहु शनि केतु के साथ होता है तब भी मदर को हेल्थ की प्रॉब्लम होती है। मून की प्लेसमेंट अगर आपके बर्थ चार्ट में ऐसे हाउसेज में होती है जिनको हम दुस्थाना भाव बोलते हैं, जैसे सिक्स हाउस, एट्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस, बुरे घर, तब भी हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। मून की प्लेसमेंट अगर केतु के साथ हो, शनि के साथ हो, राहू के साथ हो, तब भी हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है मदर को। और सेम इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठता है तो आपके फादर को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपकी कुंडली में जितने भी योग बनते हैं उनका असर, उनका इम्पैक्ट उन सब लोगों के ऊपर पड़ता है जो लोग आपके साथ रहते हैं। यहाँ तक कि इनका जो इम्पैक्ट है वो आपके जो नेबर्स होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, उनके ऊपर भी इसका असर रहता है। यानी हम सबकी कुंडली एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। हम सब लोगों की कुंडली का असर एक दूसरे के ऊपर होता है और जो भी हमारे साथ रहते हैं उन सब के ऊपर उसका असर होता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका कौशल जी, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने क्वेश्चंस भेजते रहेंगे ताकि हम उसके ऊपर अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाते रहें। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया कि हमारी कुंडली का योग हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं उन सब के ऊपर उसका असर होता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।